गर्मी का मौसम है, आम का मौसम है, कितनी वैरायटी आती है आम की, आप कुछ भी बनाइए, सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, हम भी आज कुछ बनाने वाले हैं, वो है मैंगो रबड़ी। बहुत ही बढ़िया लगती है, सभी को बहुत ही पसंद आती है, बच्चों को बड़ों को बहुत ही अच्छी लगती है। ये समर का डेजर्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंगो रबड़ी बनाना और आज एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंगो रबड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए आम। तो ये मैंने दो आम लिए हैं, आप आम कोई सा भी ले सकते हैं, आम की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि रेशे वाला आम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसके लिए थोड़े से चंक्स चाहिए, थोड़ा पल्प चाहिए, तो रेशे वाला आम होगा तो दिक्कत आएगी। मैंने यहाँ पर बादामी आम लिया है, तो आप आम कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, बस थोड़ा सा ये है कि हल्का सा मीठा भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम इन आमों को क्या करना है, हमको इनको छील करके और इनके जो है थोड़े से टुकड़े इनको काट के रखेंगे हम क्यूब्स शेप में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इनको छीलना और काट के रख लेती हूँ मैं। तो इसकी गुठली को अलग कर दीजिएगा छील करके, और इसके जो थोड़े से चंक्स निकलेंगे उससे हम रबड़ी में डेकोरेट करेंगे और बीच में डालेंगे। तो मैंने ये देखिए थोड़े से काट के रख लिए, इसमें से मैं आधे का तो पल्प बनाऊंगी ब्लेंड करके, और आधे मैं ऐसे ही चंक्स डालूंगी। आप चाहें तो खाली चंक्स या खाली पल्प भी डाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम बता देते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध लिया है मैंने इसके लिए, अच्छा सा बढ़िया वाला, और 1/2 कप मैंने चीनी ली है, थोड़े से मैंने सेफ्रॉन थ्रेड लिए हैं, और मैंने थोड़ा सा जो है 1 चम्मच चॉप्ड पिस्ता लिया है, चॉप्ड बादाम लिए हैं 1 चम्मच, 1 चम्मच ही मैंने लिए हैं चॉप्ड काजू, और 1 चम्मच मैंने ली है इलायची पिसी हुई। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कढ़ाई में दूध को पोर करना है इसके अंदर, और कढ़ाई अगर कोशिश करें तो नॉन स्टिक बेस्ट रहती है। उससे क्या होता है कि जब हम इसमें आसपास मलाई चिपकाएंगे तो स्क्रैप हो जाएगी। तो अब मैं इसको पहले हाई फ्लेम पे इसको उबाल आने दूंगी दूध को। तो मैंने अब इसको थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते भी जाएं आप, तो उबाल आ चुका है। अब मैंने इसकी फ्लेम जो है मीडियम कर दी है, ताकि अच्छे से ये उबलता रहेगा धीरे 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 धीरे। और इसकी जो मलाई है उसको हमको क्या करना है, साइड में चिपकाते जाएंगे इस तरह से। तो उससे क्या होगा कि लास्ट में जब हम इसकी मलाई बिल्कुल सेंटर में डाल देंगे, और बहुत ही बढ़िया एकदम जो है मलाईदार रबड़ी बन करके तैयार होगी। आप चाहें तो हाई फ्लेम पर भी बना सकते हैं इसको, बस लगातार थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहें आप। तो देखिए कितना अच्छे से दूध तो थोड़ा सा थिक हो चुका है, लगभग 1/4 के हमें रखना है। तो अब मैं पहले चीनी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, ताकि इसको मैं अच्छे से डिज़ोल्व करके ये भी कुक हो जाएगी साथ साथ सॉरी। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें सेफ्रॉन के थ्रेड, और इसके अलावा इलायची पाउडर, तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा इसका। थोड़ा सा और इसको मिक्स करके, और हम डाल देते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स थोड़े मैंने बचाए हैं, क्योंकि हमें जो है इसके लिए बाद में गार्निशिंग के भी काम आएंगे। तो थोड़ा सा इसको मिक्स करके और कुक करके 5 मिनट, और उसके बाद जो है हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो ये देखिए हो चुके हैं 5-7 मिनट लगभग करीब। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जो है इसको हम सारी मलाई जो है इसको स्क्रैच करके और बिल्कुल सेंटर में डाल देते हैं, तो एकदम मलाईदार रबड़ी बन करके हो जाएगी हमारी बिल्कुल तैयार। तो अब थोड़ा सा और 5-7 मिनट हम इसको चला लेते हैं कुक करके। तो ये देखिए आप बिल्कुल बन करके एकदम तैयार हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया एकदम गाढ़ी गाढ़ी। देखिए आप कितना अच्छा दिख रही है, बिल्कुल जैसे रबड़ी जो होती है ना बिल्कुल वैसी ही दिख रही है एकदम गाढ़ी। तो अब हम इसके अंदर थोड़े से चंक्स को जो है ब्लेंड कर लेते हैं मिक्सी के अंदर, और ब्लेंड करके ये जो पल्प है ना उसको हम डाल देंगे इसके अंदर। उससे एक तो इसका कलर भी बहुत अच्छा सा येलो हो जाएगा, और बहुत बढ़िया आम का फ्लेवर आ जाएगा पूरी रबड़ी के अंदर, तो ये बहुत ही बढ़िया खाने में अच्छी लगेगी। तो लीजिए सारा पल्प मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब थोड़े से इसमें हम डाल लेते हैं चंक्स जो बचा के रखे हैं हमने, तो ये मुंह में आते हैं ना तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये चंक्स। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रबड़ी हो चुकी है बनके तैयार एकदम, इसमें थोड़े थोड़े चंक्स भी हैं, सब कुछ है। तो अब हम इसको पोर कर लेते हैं हमारे कप्स के अंदर। ये देखिए बन चुकी है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया एकदम मलाईदार रबड़ी। अब हम इसको रखेंगे थोड़ी सी देर फ्रिज में, एकदम ठंडा करेंगे इसको, ठंडा ठंडा सर्व करके इसको गार्निश कर लेंगे।
तो ये देखिए एकदम कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब गर्मी में ऐसी ठंडी ठंडी रबड़ी खाइए आप, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही टेस्टी, सबको बहुत पसंद आती है ये। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।